नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑल ब्लॉक में। बहुत दिनों से हमने कोई भी वीडियोस नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे क्लासेस चल रहे थे, बहुत ही कम समय था मेरे पास तो नहीं बना पा रहा था। लेकिन थैंक्स टू ट्विंकल मैडम जो लगातार हमारे वीडियोस अपलोड करते जा रहे थे, बहुत ही धन्यवाद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। रील्स के माध्यम में आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहे। अभी मार्केट एक हालात में पहुँच गया है जहाँ पर मार्केट डाउन साइड आ सकता है, राइट। तो बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन है कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा यहाँ से और बढ़ेगा, तो चलिए जानते हैं कैसे मार्केट परफॉर्म कर सकता है। तो सिंपल सा, पहले हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। तो अगर निफ्टी को हम देखें तो लगातार कंटिन्यूसली हमारा 21 अक्टूबर में जो हाई बनाया था उसी रेजिस्टेंस लेवल को वो मेंटेन करते जा रहा था। 21 अक्टूबर, जनवरी 22 2022 का जनवरी और अप्रैल 2022, उसके बाद अगस्त 2022, उसके बाद फिर से सितंबर 2022, फाइनली अक्टूबर 2022 में उस रेजिस्टेंस को तोड़ा और मार्केट फिर से एक रैली देखने के लिए मिला। और वहाँ पर हमने देखा कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के मार्केट तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन उतना बड़ा फॉल देखने के लिए मिला नहीं। लेकिन अभी अगर मार्केट के बढ़ने का चाल देखें तो चाल कुछ इस तरह का था कि हमको पता चल रहा था मार्केट यहाँ से बढ़ सकता है, राइट। तो मार्केट यहाँ से बढ़ रहा था, उसके बाद क्या हुआ, राइजिंग वेज में यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिला और फिर से कंफर्म किया उसी सपोर्ट लेवल को और फिर से वहाँ से डायरेक्ट गिरा। अभी आकर प्राइस कहाँ पे ले रहा है सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जो बन रहा था बार बार 2021 से, राइट। और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा जितना हमारा सोचना है, और उसी तरह ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके वापस गया। आवरली चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट, मैं डेली कैंडल चार्ट बता रहा था, आवरली चार्ट के हिसाब से 200 मूविंग एवरेज जो ऑरेंज लाइन है उसको तोड़ चुका है और वापस वहीं पे सपोर्ट आके ले रहा है। तो मार्केट गिरने का शंका तो अभी भी है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेगा, प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, हो सकता है साइडवेज भी देखने के लिए मिले और थोड़ा पॉजिटिव भी तरफ हम सोच रहे हैं कल के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल है 17,880, ओके। वहाँ तक जाने के बाद मार्केट में फिर से एक गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपको एलियट वेव प्रिंसिपल पता है तो आप कंटिन्यूसली ये चार्ट पैटर्न समझ चुके होंगे, कैसे 1 2 3 4 5 करके ए बी सी पैटर्न में गिर रहा है। आपको अगर पता नहीं है तो यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो, ये हम बिगनर क्लासेस में बताते हैं। उसी तरह अदानी शेयर पर भी लोगों का बहुत नज़र है कि यहाँ से अदानी शेयर कहाँ किस तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे अदानी का अगर डेली कैंडल चार्ट देखें, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर मार्केट क्रैश होने के बाद आप बता रहे हो कि गिर गया, लेकिन पहले से आपको पता था क्या? तो मेरे स्टूडेंट्स जो अप्रैल मई से कंटिन्यूसली सॉरी सितंबर अक्टूबर के बाद से जो कोई भी मेरे पास भी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आया है, उनको क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है कि ऑलरेडी ये बहुत बढ़ चुका है और इसके फंडामेंटल्स इसको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जहाँ पर ये प्राइस रह सके, ठीक है। तो ऑलरेडी इसको ना बाय करने के लिए हमने बार बार कहा है। और अगर डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से देखें तो ये सपोर्ट लेवल बहुत ही भारी था, 3521, इसको जब तोड़ा तो आपने सेलिंग ले लेना था इसमें। चलिए हम अपने सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि कहाँ पर हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी सेल दिया। आवरली कैंडल चार्ट में देखूँगा, ठीक है। आवरली कैंडल चार्ट में मैंने हमारा जो सेमी अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, मैं यहाँ पे अपने ट्रेंड लाइन्स को हाइड कर देता हूँ क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर खुद ही ट्रेंड लाइन आपके लिए ड्रॉ कर लेता है। तो आवरली कैंडल चार्ट में ये बता रहा है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल में जा रहा था और आपको मेरे सॉफ्टवेयर ने सेल बताया लगभग इस कैंडल में, ट्यूसडे 24 जनवरी से सेल बता रहा है, तब से बाई सिग्नल नहीं दिया है और कंटिन्यूसली वहाँ से ही मार्केट फॉल हो रहा है। उसी तरह अगर अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात करें, ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात करें तो 1 आवर के चार्ट में आप अगर देखोगे तो इसने सेल सिग्नल आपको रिसेंटली जो लास्ट सेल सिग्नल है इस कैंडल पे
3332 में दिया था, और कंटिन्यूसली जो शार्प सेल सिग्नल है वो इसने लगभग इस कैंडल में लगभग 3836 में उसने सेल दिया। उसके बाद यहाँ पर जब सपोर्ट लिया तो वहाँ पे बाय दिया था और फिर से सेल दिया। सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो भी नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर जो है हम प्रोग्रामिंग करके डाले हुए हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक ट्रेंड बार करके इसको हम प्रोग्रामिंग देते हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में, ना सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट, आप फॉरेन में बिटकॉइन में इन सब में भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर बाय सेल और ट्रेंड लाइन के आपको सिग्नल्स मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छे सिग्नल्स दे रहे हैं। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं BTC USD का 15 मिनट के चार्ट में, तो रिसेंटली हमने एक ट्रेड लिया था, ठीक है, एक सेकंड रुकिए मैं आपको बता दिखा दे रहा हूँ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। इसी जगह पे हमने बाय सिग्नल लिया था और यहाँ पे हमने सेल करके निकल गए। लगभग बहुत अच्छे पॉइंट मिला है, 23,100 में हमने बाय किया और लगभग 21,000 में हमने 23,100 में एंट्री किया, और लगभग यहाँ पे 23,400 200-250 पॉइंट हम प्रॉफिट बुक करके हम निकल गए। पूरा प्रॉफिट बुक करने के लिए वेट नहीं किया हमने, प्रॉफिट निकल गया और कंटिन्यूसली अभी भी बाय सिग्नल दे रहा है लाइव चार्ट में। कल के मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो कल के मार्केट में हम थोड़ा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ही सपोर्ट लेवल पे है। हमारे सॉफ्टवेयर ने नहीं दिया है अभी तक बाय सिग्नल, लेकिन छोटे कैंडल चार्ट्स में, जैसे कि आप अगर 15 मिनट के चार्ट अगर देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे बाय दे चुका था फ्राइडे के दिन। तो हम सोच रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि 17,700 या उसके ऊपर 17,780 के लेवल पर जा सकता है, उसके बाद मार्केट फिर से आपको रिवर्स करने के लिए चांस देगा। तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वहाँ पर टच करने के बाद 17,780 के पास मैं जो लेवल्स बता रहा था वहाँ से नेगेटिव जाने के चांसेस दे सकता है। तो अगर आपको अपना कुछ ओपिनियन देना है तो आप शेयर कर सकते हो। आपको अगर सॉफ्टवेयर के बारे में इंक्वायरी करना है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक की वेबसाइट में मिल जाएगा, investmentonblocked.com है, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमको सबको, ठीक है। आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक्ड।